Jai Hind everyone. So, today we are going to discuss the first multicellular phylum that is phylum Porifera. So, we must consider in our discussion that how these cells are organized means in what grade they are organized, whether there is cell grade, tissue grade, are system grade organization, what type of organization is there. And animal is large, it may be 1 centimeter, 10 centimeter, 20 centimeter large animal, then how this multicellular organism maintain its structure if the cells are loosely arranged so let us begin our discussion so first that we will discuss that is the habitat what is habitat if we discuss about the habitat all the poriferans they are aquatic so what we can say here habitat is habitat is aquatic habitat is aquatic and mostly they are marine but there are some forms which are fresh water also so there are marine as well as fresh water form then what is habit 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 of this animal so this is attached with the substratum this is attached with the substratum so these animals are sessile, sedentary, colonial. ये animal क्या हो सकता है भाई single भी हो सकता है solitary है ना या colony में रह सकता है या <coughs> बट एक कंडीशन फिक्स है दैट इट इज सेडेंट्री इट रिमेन एट अ प्लेस इट अटैच विदस्टेटा तो हो सकता है भाई यहां से ऐसे फ्लावर लगा देंगे आप तो ये फ्लावर पार्ट की तरह दिखेगा देन इट मे बी पाइप लाइक इट मे बी कुशन लाइक सो देयर आर डिफरेंट शेप्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट द शेप जब हम शेप की बात करते हैं तो हम सिमेट्री की बात जरूर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेडियल सेमेट्री मिलेगी एंड मोस्टली दे आर ए सेमेट्रिकल एनिमल मोस्टली दे आर एसेमेट्रिकल अच्छा सेमेट्री पूछ रहे हैं सेमेट्री देखिए सिमेट्री क्या है दैट इज इमेजिनरी लाइन आर प्लेन अगर कोई एनिमल है उसमें कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो एनिमल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे ठीक है ना तब तो उस एनिमल को हम क्या कहेंगे सो ऑन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेमेट्री दैट वी विल डिस्कस इन सेपरेट लेक्चर सो हियर व्हाट वी हैव देयर इज नो सेमेट्री आर दे आर रेडियली सेमेट्रिकल रेडियली सेमेट्रिकल एनिमल ठीक है या तो वहां पे कोई सिमेट्री नहीं होगी एंड आई या आर दे आर रेडियली सिमेट्रिकल नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट दैट इंक्लूड्स डिफरेंट थिंग्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन what kind of body organization we can expect from this animal in previous phylum we have discussed about protozoans they are physiologically physiologically mm, there is no defined labor means a particular cell has to perform all the functions there is no physiological division of labor है ना हाँ पे कोई कार्य अलग से नहीं है कि रेस्पिरेशन दिस सेल विल परफॉर्म डाइजेशन दिस सेल परफॉर्म आर डिपोजिशन ऑफ फूड दिस सेल परफॉर्म नो देर इज नो डिविजन ऑफ सोमैटो प्लाज्म वहां पे ऐसा कोई तो डिविजन नहीं है कि भाई ओके दिस सेल है दिस विल परफॉर्म द एनाटॉमिकल ग्रोथ एंड ऑल द फंक्शन एंड दिस सेल विल परफॉर्म द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऐसा नहीं है ठीक है तो यहां पे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट बट दे आर कमिंग टूगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज मल्टी सेलुलर सो हियर सेल्स आर सेल्स आर आर लूजली अरेंज अरेंज एंड दे डू नॉट फॉर्म अ डेफिनिट लेयर डेफिनिट लेयर तो आपको यहां कोई डेफिनिट लेयर नहीं है सेल की जैसे कि हम अदर ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करते हैं जब हायर ऑर्गेनिज्म में तो देयर इज इक्टोडर्म मिजोडर्म एंड इंडोडर्म वॉट इज दिस इक्टोडर्म मिजोडर्म एंड इंडोडर्म This is the germ layer that develop after gastrulation. The result of gastrulation is formation of three germ layers and these germ layers they are going to form all the different organ, tissue or system. But here cells are loosely arranged they are not forming in any layer. So, do we expect any tissue or organ? No. देर इज नो टिश्यू नो टिश्यू आर organ तो यहां पे आपको कोई टिश्यू या आर्गन नहीं मिलेगा ठीक है ना तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा भाई फिर सेलुलर ग्रेड सेलुलर ग्रेड इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वी एक्सपेक्ट इन पोरिफेरेंस तो पोरीफेरेंस में कैसा होगा भाई सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इफ द दे आर शोइंग द सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाउ द सेल्स आर अरेन्ज्ड एंड वट टाइप ऑफ बॉडी दे फॉर्म सो लेटेस्ट टेक दिस एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द पोरेफेरन एंड Why they are called Porifera. Porifera हम बोलते क्यों है भाई कहते क्यों हैल पोर्स दिस पोर्स आर कार्ड ऑस्टिया दिज पोर्स आर कार्ड ऑस्ट्रिया इन पोर्स को क्या कहते हैं भाई ऑस्ट्रिया

three hypothetical layers that we can say that we will discuss in detail here so there are three layers and before that if you see the water that is entering through ostia water is entering through ostia and it has to travel it has to travel from here ostia to this cavity दिस कैिटी इज कार्ड पैरा गैस्ट्रिक कैविटी दिस केविटी इज कार्ड पैरा गेस्ट्रिक दिस इज नॉट ट्रू गैस्ट्रिक कैिटी रिमेंबर द ट्रू गैस्ट्रिक कैविटी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आर्नटेर ठीक है ना वहां से जहां पे थ्री जम लेर फॉर्मेशन होगा देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रू गैस्ट्रिक कैविटी ठीक है तो यहां पे इस गैस्ट्रिक को इसीलिए कैविटी को क्या बोल रहे हैं भाई पैरा कैविटी है ना दिस इज नॉट ट्रू गैस्ट्रिक कैविटी बट व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज़ हियर इज फ्रॉम वाटर इज वाटर इज एवरीवेयर बिकॉज़ एनिमल इज एक्वेटिक देन हाउ द वाटर ट्रैवल थ्रू ऑस्टिया इन दिस पैरा कैविटी this is very important why this is important this is important because this is a multicellular organism this is a multicellular organism and there is no circulatory system no excretory system no uh, you know no digestive system nothing is there only cells are there and

canal system is very important structure in poriferans so one of the exclusive feature of poriferans is canal system so what we call it canal system why canal system is important because every cell need water every cell need food every cell need Uh, every cell has to get rid of their excretory material and every cell should get oxygen also to agar unko ye sari cheeze milni hai ya wahan se travel karke fir wapas aana hai to water has to reach every cell har cell ke paas at least diffusion limit क्योंकि ये animal का size आप देखिए, ये 1 cm 20 cm even sometime meters long सो इफ द एनिमल इज लॉन्ग देन देर देर मस्ट बी सम सिस्टम टू सप्लाई द ऑक्सीजन न्यूट्रीशन टू ईच एंड एवरी फेल विद इन द डिफ्यूजन लिमिट है ना जैसे प्रोटोजो वन में था तो डिफ्यूजन लिमिट ही वो डिसाइड करती है कि सेल की साइज क्या होगी यानी कि सेल इतनी बड़ी घर के बड़ी होगी कद्दू के जितनी बड़ी सेल नहीं होगी क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन यहां से शुरू होगा एंड डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस यहां तक पहुंचते पहुंचते पता चला वो सेल है? तो यहां पे आपको ध्यान देना है ऑस्टिया एंड देर इज अ लार्ज पोर्ट कार्ड ऑस्कुलम यहां पे क्या है भाई ये ऑस्कुलम है, है ना तो वाटर का अगर हम पाथ देखेंगे तो वाटर का पाथ हमको कैसे मिलेगा देखिए ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा है ना? कैनाल सिस्टम से होते हुए कहाँ आएगा भाई पेरागेस्ट्रिक कैविटी में वन नंबर ऑस्टिया एंड देन कैनाल सिस्टम एंड देन पेरागेस्ट्रिक कैविटी, एंड देन इट विल मूव टू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑस्कुलम ठीक है ना तो यहां पे इम्पोर्टेंट इसको पैरागैस्ट्रिक का नाम क्यों दे रहे हैं इसको हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं कि किस किस तरह है, की सेल है तो अब देखते हैं बॉडी वॉल हमारा किस तरह का है एंड व्हाट आर द लेयर्स अल्दो देर इज नो डेफिनेट ठीक है ना तो देखिए सबसे बाहर की तरफ ये लेयर है तो इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म पिनेकोडर, क्या बोलेंगे भाई पिनेकोडर, है ना और जो ये अंदर की तरफ सबसे लेयर है इसको कहते हैं कोएनोडर। ध्यान से समझ लीजिए सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसको बोलते हैं पिनेकोडर, है ना एंड सब सबसे अंदर की तरफ का मतलब क्या हुआ यहां पे क्या होगा भाई यहां पे क्या होगा ये देखिए क्या है कैविटी। तो यहां पे क्या है भाई? कैविटी, है ना तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी में थ्रू आउट अगर हम देखें तो क्या प्रेजेंट होगा ये एक देखिए एक सेल है है ना अभी बताते हैं तो ये लेयर क्या हुई और दिस आउटर लेयर इज कार्ड पिनर अच्छा अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत तरह की सेल्स दिखाई गई है ना ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसके यहां पे सेल्स आर नॉट मच दे आर नॉट ऑर्गेनाइज दे आर इन स्लरी फॉर्म स्लरी समझ रहे हैं ना देर इज अइम लाइक स्ट्रक्चर There is -like है तो दे आर इन सेमी सॉलिड फॉर्म दे आर इन फ्लूड फॉर्म दे आर इन फ्लूड फॉर्म दैट फ्लूड फॉर्म इज कार्ड मीज एन काम इज कार्ड मीज एन का तो अगर हम कहें बॉडी वॉल के बारे में तो बॉडी वॉल में कौन कौन सा है सबसे आउटर सो आउट हियर इज पैरागैस्टिक कैविटी तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो फर्स्ट इज फिनेकोडर्म देन मीजेनकाइम एंड देन कोएनोडर्म देन पैरागैस्ट्रिक कैविटी एंड देन ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाएगा ठीक है ना तो फर्स्ट इज फिनैकोडर्म देन सेकेंड इज मीजेनकाइम एंड देन कोएनोडर्म ठीक है तो चलिए देखते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मीजेन काइम मीजेन काइम जो है वो एक स्लरी लाइक स्ट्रक्चर है इट इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म है ना तो यहां से अगर वाटर को मूव करना है पैरागैस्ट्रिक कैविटी में दे मस्ट नीड अ चैनल तो उनको क्या चाहिए भाई चैनल चाहिए तो चैनल तो कौन बनाएगा यहां पे तो यहां पे एक डेफिनेट तरह की सेल है आप इस सेल को ध्यान से देखिए तो यहां पे आपको ऐसे चैनल दिखेगा है ना इस चैनल से वाटर कहां जा रहा है ठीक है तो दी सेल्स आर कार्ड यहां मैं लेबल कर दे रहा हूं इसको यहां से हटा दे सेल्स आर कार्ड कॉल्ड पोरोसाइट्स पोरोसाइट्स है ना तो ये पोर फॉर्म कर रही है तो ऐसी सेल्स जो पोर फॉर्म कर रही है चैनल फॉर्म कर रही है उनको क्या बोल रहे हैं पोरोसाइट अच्छा सबसे बाहर की तरफ ये जो सेल है इनको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स है ना पिनेकोसाइट्स पिनेकोसाइट्स और यहां पे ये जो सेल्स एकदम पास में है जहां से पोरोसाइट स्टार्ट कर रहा है जहां से ऑस्टिया है ये क्या है ऑस्टिया तो यहां से वाटर एंटर करेगा तो यहाँ पे देयर मस्ट बी सम रेगुलेशन रेगुलेशन के लिए क्या होता है भाई किसी पोर साइज को कम या ज्यादा करना है तो दे नीड मसल्स तो इसके अराउंड ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी-छोटी सेल्स -छोटी दिख रही हैं दीज आर कॉल्ड मायोसाइट्स है ना मायोसाइट देयर मसल लाइक फंक्शन दैट्स व्हाई द नेम मायोसाइट्स है ना अच्छा देखिए ये कुछ मिस्टीरियस सी सेल्स है है ना ये देखिए दीस सेल्स आर कॉल्ड आरक्यूसाइट क्या कहते हैं इसको आरक्यूसाइट्स इनका फंक्शन क्या है भाई स्पोंजेस हैज वेरी सॉरी दिस पॉरीफेरा हैज वेरी हाई रीजनरेटिंग पावर ठीक है ना और क्या है आप इसको लीजिए इसकी बॉडी को और पूरी तरह से क्रश कर दीजिए If there is archaeocyte and these three layers are somehow maintained, then it can regenerate the entire animal. So they have very high regenerating power. So there is archaeocytes. Then after that there are several colors. See in this cell there are several colors. No, it is beautiful cell. So, this is called chromocyte, chromo, chroma means color, chromocytes, okay, these cells are called chromocytes and these cells have some stored material, okay, these cells have some stored material, so these are called thesocytes, these are called thesocytes, thesocytes, Okay. So <clears throat> okay. These are called thesocytes. And if you see this structure, so there is needle like structure. What is this? And why it is very important, why I am decorating it. Why? Because animal is very large. So if cells are loosely arranged, how this structure, this big structure is possible? It is not possible without any skeleton. So, there are skeletons, those skeletons are called sclerites, sclerites, sclerites. And these skeletons are formed by the cells. स्मॉल स्मॉल सेल्स यू कैन सी दीज ब्लू से स्केलेटन स्पाइन इनको फॉर्म करती है उनको क्या कहते हैं स्कलेरोसाइट्स की बात आ गई तो स्केलेटन हमारे पास यहां कितने तरह का है वो भी देखेंगे अभी ठीक है ना पहले हम ये सेल्स कंप्लीट कर लें कि ये हमारे मीजन काइम में कितनी तरह की सेल्स है है ना सो देर आर ग्लैंड सेल्स ऑल्सो दे सिक्रीट सम मटीरियल सो दिस आर ग्लैंड सेल्स ग्लैंड सेल्स ठीक है ना यहां पे ग्लैंड सेल्स हैं दीज आर आर्कियोसाइट्स पोरोसाइट्स बट वी कैन सी वन सेल दैट इज प्रोजेक्टिंग सो मैनी प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर आउट ऑफ द बॉडी है ना बहुत सारे प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है उसके बॉडी से जो बाहर निकल रहे हैं ना तो हैव लॉट ऑफ एक्सप्लेजेशन लॉट ऑफ साइटोप्लाजमिक प्रोजेक्शन दीज सेल्स आर कार्ड sites colon sites hmm? their projections are intertangled with other cell other uh, colon sites also so they form a network like structure hmm? So they form a network like structure. So what we can say here that mesenchyme has several cells and they have several different physiological functions. One very important cell that line here the paragastric cavity are that is also present in some specialized cavities. Okay? So, these cells having some structure that is why they have very important name. Suppose I am a person and I am wearing a shirt. So, what is this structure? What is this structure? This structure is collar. Everybody knows this. Okay. So, they, the cells they have certain uh, projections. Suppose this is a <coughs> collar and this is cell body. Okay. So, over cell body there is a projection. So, what is that projection?

projection all around okay and there if i put them together so what kind of structure they look like they look like this and in between there is a flagella and these are collar cells collar cells आर दे आर कॉल्ड क्वाइनो साइट रिमेंबर वाई आई एम गिविंग सो मच टाइम टू दिस सेल बिकॉज़ दिस सेल इज यूनिक टू पोरिफेरेंस। तो अगर कोई पूछता है आपसे क्वेनो आर प्रेजेंट इन देन इट इज प्रेजेंट इन पोरिफेरा कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट इन देन रिमेम्बर योर कॉलर एंड कीप योर कॉलर अप सो कॉलर सेल्स आर प्रेजेंटिंगेक्ट तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कि भाई सबसे जो पैरागेस्ट्रिक कैिटी है सबसे अंदर की तरफ वहां पर जो लेयर है वो क्या है आपका कोर कॉलर सेल्स उसके बीच में मीजेनकाइम है इनमीजे सेवरल टाइप ऑफ सेल्स एंड देन Most outer layer that is इज that is इज of ऑफ are इज is also called डर इसी को पिनाको भी कहते हैं ठीक है ना अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर दो सेल्स विच आर फॉर्मिंग द चैनल आर द कैनाल सिस्टम दट इज एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ पोरिफेरेंस दट इज फॉर्म्ड बाई पोरोसाइट्स ठीक है ना भाई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अब हम लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है तो अब डाइजेशन की बात करें अगर हम तो डाइजेशन यहां पे अब ले आइए एक एक सिस्टम की बात करते हैं ठीक है ना तो अगर हम डाइजेशन की बात करें डाइजेशन कैसा है भाई इंट्रासेलुलर है ना एक सेल के अंदर डाइजेशन होगा देयर इज नो गैस्ट्रिक कैविटी, दिस इज फॉल्स दिस इज फॉल्स कैविटी, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा सेल के अंदर होगा डाइजेशन इट इज नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन लाइक अस हम लोगों में क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है तो यहाँ पे क्या है एंट्रा सेलुलर डाइजेशन अच्छा सेकेंड रेस्पायरेशन रेस्परेशन के लिए कोई यहाँ पे आर्गन सिस्टम है नहीं रेस्पिरेशन के लिए सो कोई सिस्टम नहीं है डायरेक्ट डिफ्यूजन से ही रेस्पिरेशन होगा देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए कोई सिस्टम है नो देअ नो एक्सक्रीटरी सिस्टम एट ठीक है ना अच्छा नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो यहां पे देखिए न्यूरॉन्स इज नर्वल न्यूरॉन लाइक सेल्स है ना ये बहुत ही कंफर्म्ड नहीं है कि देयर आर न्यूरॉन्स, बट देयर आर न्यूरॉन लाइक सेल्स आर न्यूरल नेटवर्क प्रेजेंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेसेनकाइम ठीक है तो नर्व नेटवर्क आप लिख सकते हैं है ना? नॉट डेफिनेट सारे फॉर्म्स में ऐसा नहीं पाया जाता बट देर आर सर्टन फॉर्म्स वेयर नर्व लाइक सेल्स आर प्रेजेंट नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन ओके सो वॉट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन डू वी एक्सपेक्ट इट इज एक्सटर्नल आर इंटरनल सो देर आर गोनेड सेल्स देर आर gonad cells that produces male and female gametes okay? But remember <coughs> their maturity suppose male and female because animal is animal is hermaphrodite hermaphrodite means both the gonads male and female gonads, प्रजेंट इन सेम एनिमल एक ही एनिमल के अंदर है तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं हर्मा बट यहां पे फर्टिलाइजेशन पहला तो एक्सटर्नल होगा पहली चीज दूसरा क्या होगा भाई हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होगा मेल एंड फीमेलिट आर प्रजेंट एंड मेर एंड दे प्रोड्यूसूज टूगेदर नो There is a condition. Here what happens? The female gamete or male gamete. Their maturity of gonad is different. If the female gonad mature first, it will release ovum that passes through the channel and the through paragastic cavity and go out through osculum. अस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा तो यहां पे क्या हुआ फीमेल जो गैमीट है उसकी मैच्योरिटी पहले हुई ठीक है फीमेल गैमिट बाहर जाएगा दूसरे एनिमल से मेल गेमिट आ रहा होगा दैट विल फर्टिलाइज एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन वाटर ठीक है अच्छा अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें एक्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा भाई यस प्लीज यस यस प्लीज यू जायोट हा ठीक है जाइगोट होगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा एंड देयर इज फ्री स्विमिंग स्टेज दिस लार्वा दिस स्टेज दैट इज कॉल्ड पैरिन आर है ना? इस लार्वा को क्या कहते हैं भाई पैर का लार्वा या एम्फीब्लास्टुला लार्वा तो कभी कभी पूछते हैं कि भाई पोरीफेरेंस का लार्वा कौन सा है ठीक है दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस तो वो क्या है एम्फीब्लास्टुला ब्लास्टूला लेकिन एक ऐसा भी स्ट्रक्चर है देयर इज एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन आल्सो देर इज बडिंग आल्सो है ना बडिंग भी होता है जैसे प्लांट्स में बडिंग होता है वैसे यहां पे एनिमल्स में भी बडिंग होता है ठीक है तो सो बडिंग के साथ साथ नहीं बना है वॉट इज दिस दिस इज कॉल्ड जेम्यूल जेम्यूल तो ध्यान रहे ये क्या है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है ना ए सेक्ुअल रिप्रोडक्शन से बना एंड दिस इज कम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से आपका क्या बनेगा एम्फी ब्लास्टुलाइमुला लार्वा और ए सेक्चुअल रिपोडक्शन से क्या बनेगा भाई जेम्यूल और जेम्यूल के अंदर देखिए देर आर सो मेनी पीपुल दे आर लुकिंग फेरोसियस ओके आई कम आउट एंड फॉर्म अ न्यू एनिमल Okay, these cells are called remember these people, these are archaeocyte cells, archaeocyte cells and what is this dumbbell like a structure? Dumble like a structure. So around this if you see what is this? This is is spicule spicule but if you see this spicule on either side there is a swollen structure there is a disk like structure on either side okay so this is called mp discus spicule okay

So, if I summarize here, then <coughs> the canal system, canal system, and skeletal, skeletal, system. These two systems are very important here in poriferans. One that is a skeletal system that maintain the structure of multicellular organism and organism is very large and cells are loosely arranged. So, definitely they need a skeleton and that skeleton may be of three type that is calcareous, siliceous, are collagen, spongin, fibers. These three type of skeleton components are very important for the maintenance or the structure of peripherals. What is that?

if it is composed of silica, then it is called siliceous spicule. If spongine fiber is there, although it is always present with siliceous spicule, with some exceptions where only spongine fiber is present, that we will discuss in detail, that is siliceous spicule. So, the skeleton system is calcareous spicule, siliceous spicule and there are protein fibers called spongine fibers. So, these are very important structures for the uh, because they work as a skeletal element. Now come to canal system. The canal system is physiologically very important in poriference because without this system, canal system. None of the cells in the entire body can survive because every cell need nutrition, every cell need excretion and every cell need uh, oxygen. So, without canal system water will pass through it and deliver the oxygen, nutrition. And take out the excretory product through osculum. So canal system is of three type depending on the complexity. That is ascon, cycon and leucon. Type. That we will discuss in detail in separate lecture. But here you remember that ascon is simplest one. Cycon is complexer than this and leucon is most complex type of canal system so i hope the general characteristics of poriferans is clear to all of you